Good morning everyone. 10th class math subject class में आपका स्वागत है. हम पिछली क्लास में प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे. बहुपद के बाद हमने बहुपद की शून्य ज्ञात की तथा उनके सत्यता की जांच की. इसके बाद हम अगला प्रश्न पर करेंगे. अगले प्रश्न में हमें शून्यांक पहले से दिए गए होंगे, शून्यांकों का योग और गुणनफल पहले से दिया गया होगा, हमें वहां से बहुपद का निर्माण करना होगा. बहुपद के निर्माण के लिए सूत्र जो होता है बी का बहुपद बहुपद बी का बहुपद के लिए सूत्र हमारा ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग सूत्र हमारे पास देखते हैं. दूसरे का पहला हमसे ये कहा गया है कि बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः से दी गई संख्या. हमें देखना है शून्यांकों का योग. शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योग हमें देखता है 3 और आगे जो देखना है शून्यांकों का शून्यांकों का ये आगे रहता है. हमें याद करना है बी का बी और बी का बी और का सूत्र आपको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल. सूत्र में हम मान रखे तो एक्स स्क्वायर कैसे कैसे आएगा माइनस शून्यांकों का योग हमारे पास है 3 कोष्ठक में क्या है एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल कितना है बटे में कोई भी संख्या हो उसको प्रत्येक पद से गुणा कर देंगे. प्रत्येक पद को जो हमारे बटे में संख्या होगी उसको प्रत्येक पद से गुणा कर 3 से गुणा करेंगे तो बटे में कितने प्रत्येक पद को 3 से गुणा कर गुणा कर तीन से गुणा करेंगे इसको 3 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर इसको 3 से गुणा करेंगे 3×2x इसको 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 1/3 गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3×2x और प्लस हमारे पास में जाएगा. इस प्रकार से हम शून्यांकों का योग और गुणनफल गुणनफल की सहायता से बहुपद का निर्माण कर सकते हैं. इसी क्रम में एक और हमें दिया गया है, दूसरा सवाल है जो हमने ज्ञान किया है. अब हम तीसरा सवाल करेंगे. तीसरा सवाल करेंगे तीसरे सवाल के लिए क्रम में अलग शिक्षा दी गई. तीसरे सवाल के लिए हमें संख्या दी गई है -1/4 और गुणनफल देखा है 1/4
मान रखेंगे चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को बाइयों पे रखा माइनस का एक बटे चार और स्टक एस प्लस शून्य को बागुनी को हमें दिया गया है एक बटे चार एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से गुणा करें प्लस एक बटे चार एक्स प्लस एक बटे मैंने बताया आप बटे वाले संख्या को कितने पद से गुणा करें क्योंकि बटे में से हमें संख्या चाहिए प्रत्येक पद को चार से गुणा कर लें गुणा कर लें चार से गुणा करें हमारे पास आ जाएगा क्या चार एक्स स्क्वायर प्लस चार से गुणा करेंगे तो चार से चार करके क्या बचेगा एक्स यहाँ भी चार से गुणा करेंगे चार से चार करके क्या बचेगा एक इस प्रकार हम बहुपद के निर्माण कर सकते हैं बाकी सवाल खुद करेंगे तीसरा सवाल देखिए शेष सवाल दूसरे प्रश्न के शेष सवाल आपके लिए आपका ही अगला आप सवाल देखेंगे तीसरा सवाल हमारे पास क्या है यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात हमें देखें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस शून्यांकों का योग निकालते हैं शून्यांकों का योग पहले हम देखें शून्यांकों के वर्गों का योग माना इसके शून्यांक शून्यांक ए व बी शून्यांकों का योग शून्यांकों का वर्गों का योग हमें जगह शून्यांकों के वर्गों का शून्यांकों के वर्गों का योग वर्गों का योग शून्यांकों के वर्गों का योग हमें जगह 40 वर्गों का योग करने एक तो शून्यांक ए है और एक बी है दोनों का वर्ग करेंगे हमने कर दिया वर्ग योग करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे जिनका मान हमें पहले से दिया हुआ है कितना समीकरण एक मान फिर हम शून्यांकों का योग निकालते हैं शून्यांकों के योग का सूत्र है शून्यांकों का योग शून्यांकों का योग हमें दे रखा है सूत्र होता है माइनस बी अपॉन शून्यांकों का योग शून्यांक हमने मान रखे ए और बी योग करेंगे तो जाएगा ए प्लस दोनों का योग करेंगे छोड़ लेंगे दोनों को माइनस बी माइनस ऐसे जैसे बी का मतलब होता है क्या एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा हमारे पास क्या है बी का मतलब होता है एक्स का गुणा तो एक्स का गुणा हमें लेना माइनस के आठ बटे ए ए का मतलब आपको होता है एक्स स्क्वायर का गुणा तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं क्या मान लिया जाएगा हमारे पास आ गया ए प्लस बी बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितने बचेंगे चूंकि हमने यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए इसलिए दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे वर्ग कर ये समीकरण दो मान लेंगे फिर हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल आया हमारे पास जिसका सूत्र होता है क्या c अपॉन a गुणनफल करेंगे तो a और b को गुणा करेंगे c का मतलब होता है अचर पद हमें दे रखा है क्या a बटे a a का मतलब x स्क्वायर का गुणा जो क्या है a तो आ जाएगा a b बराबर समीकरण मान लेंगे समीकरण दो का वर्ग करेंगे समीकरण दो
वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास आएगा आठ का स्क्वायर। इसका सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। आठ का स्क्वायर होगा कितना, समीकरण है एक व तीन से मान रहे हैं, समीकरण एक व तीन से मान रहे हैं, और एक और तीन से मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमारे पास यहां से आ जाएगा कितना, चालीस, प्लस दो ए बी, ए और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा के बराबर चौसठ, दो के चौसठ चालीस को उधर कर देंगे इसका हो जाएगा माइनस, जाएगा दो के कितने बच जाएंगे चौबीस, के का मान निकालेंगे जाएगा चौबीस बटे दो, और दो का भाग है कितना हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार हम के का मान याद कर सकते हैं। एक बार बोल देंगे, सबसे पहले हमें बहुपद दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस के, इसके दो सिनेरियो में मान ली ए और बी, तो इसके हम पहले सिनेरियो और हमें फंक्शन में ये भी दे रखा है सिनेरियो को भी वर्गों का योग, सिनेरियो ए और बी माने ए का वर्ग किया दोनों को योग किया तो उनका मान कितना हो जाएगा चालीस, समीकरण एक मान लेते हैं। अब इस जो बहुपद रहेगा उसके शून्यांक का योग निकालते हैं, शून्यांक का योग निकालने का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, ए प्लस बी योग किया बराबर माइनस का माइनस, बी का मतलब एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक क्या माइनस का बटे ए, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का मान क्या है एक, तो ए प्लस बी ऐसे कैसे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आठ में एक का भाग देंगे समीकरण दो मान लेंगे फिर हमें जगह शून्यांक होगा, शून्यांकों के गुणांक का सूत्र होता है सी अपॉन ए, दोनों शून्यांकों को गुणा किया सी का मतलब होता है चर जो हमें देखे के बटे ए, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है एक बटे में के का गया, ये भी ऐसे कैसे के में एक का भाग करने हमारे पास आएगा के क्या रहेगा, समीकरण तीन मान लेंगे क्योंकि समीकरण एक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से यहाँ पे हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, इसलिए दोनों पक्षों का मैंने समीकरण दो का मैंने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, समीकरण दो का वर्ग करेंगे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आठ का स्क्वायर होता है चौदह, समीकरण एक और तीन से मान रख सकते हैं, समीकरण एक और तीन से मान रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान समीकरण एक से आ जाएगा चालीस प्लस दो ऐसे कैसे ए गुणा बी, तो ए गुणा बी का मान समीकरण तीन से क्या जाएगा के बराबर कितने दो के ऐसे कैसे चालीस को लेकर के माइनस हो जाएगा दो के चौसठ में से चालीस रखेंगे चौबीस हो जाएंगे के का मान निकालते हैं चौबीस बटे दो के बराबर बारह। इस प्रकार से हम के का मान निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम विधि अर्थात कलन विधि। बीजीय व्यंजकों के हम भाग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों का बहुपद बहुपदों का विभाजन है विभाजन से हल, इसको कलन विधि भी बोलते हैं, इसको
इसमें जैसे कोई भी संख्या है जैसे a में b का मान दें तो शेष फल बचे r भाग जाए q बार तो शेष फल हमारे पास है r तो सूत्र बन जाता है भाज का बराबर भाजक इनटू भागफल भाजक इनटू भागफल और प्लस शेष फल। तो हम देखते हैं ये होता है a बराबर b गुणा q और प्लस r, इसको हम अलग तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ये भाग को f x से लिख सकते हैं, जो बहुपद होगा जिससे भाग करते हैं उसको g है, भाग कितनी बार जाएगा उसको q है और जो शेष फल बचता है उसको r x। s का मतलब बहुपद, प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप भाग देना सीख रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास ये होगा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल व शेष फल हमें लिखना है। हमें सबसे पहले ये लिखना है पहले का पहले एफ एक्स, एफ एक्स हमें लिखना है 3x² प्लस x² प्लस 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 gx हमने दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x। पहले हम दोनों को घातों के 3x³ घातों के आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले x² जो उससे छोटे का छोटे उससे अवरोही क्रम में लिखते हैं। इसके बाद फिर हम gx मतलब जी एक्स का भाग देंगे एफ एक्स, जी एक्स हमें दे रहे हैं x² प्लस 2x प्लस 1, इसका भाग देना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस 5। और भाग देने के पश्चात हमें यह बताना है भागफल और शेषफल। तो सबसे पहले हम भाग देने के लिए क्या करते हैं, प्रथम संख्या में भाग देते हैं। भाग इस प्रकार देंगे, प्रथम संख्या हमारे पास 3x³ बटे भाग है ना किसका x² का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ x² से 2 घात कट जाएगी, हमारे पास बच जाएगा क्या 3x, क्या बच जाएगा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x। अब जो 3x है उसको प्रत्येक पद से गुणा करते हुए यहाँ लिखेंगे 3x को x² से गुणा करने के बजाय 3x³, 3x को 2x से गुणा करें 3 × 6 x को x से गुणा करें 6x प्लस 3x को 1 से गुणा करें आएगा 3x। अब इसको हम घटाएंगे तो प्रत्येक संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस की संख्या ये संख्या प्लस के माइनस की होगी, ये प्लस के ये भी माइनस की होगी, ये प्लस के ये भी माइनस, ये प्लस की माइनस की घट गई, ये प्लस की और ये माइनस की। 6x² में से 1x² घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 5x², माइनस के 3x है प्लस के 2x है, क्या बचेगा माइनस का। अगले संख्या का हम लिखेंगे फिर प्रथम संख्या में माइनस 5x² में हम भाग देंगे फिर इसका प्रथम संख्या, प्रथम संख्या का फिर प्रथम संख्या 5x² में x² का भाग देंगे x² से x² कटेगा हम बचेंगे माइनस के, माइनस 5 यहां आ जाएंगे। अब फिर माइनस 5 को प्रत्येक संख्या से गुणा करेंगे, माइनस 5 को x² से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 5x, माइनस 5 को 2x से गुणा करेंगे माइनस हो जाएंगे 10x, माइनस 5 को 1 से
गुणा करेंगे i माइनस k, फिर घटाएंगे तो फिर से बदल देंगे माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, माइनस की संख्या प्लस की, माइनस की संख्या x की प्लस, ये माइनस का जो हो गया प्लस का कट गया, प्लस के प्लस x है, माइनस का एक x है, प्लस के प्लस के नो x, प्लस प्लस के पांच प्लस के पांच हो गए प्लस के दस, तो हम लिख सकते हैं। अब आगे भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ बड़ी बात है लेकिन यहाँ छोटी बात, अतः भागफल, भागफल हमारे पास आया क्या तीन एक्स माइनस पांच, फिर हमारे पास आया शेषफल और शेषफल हमारे पास क्या आया नौ एक्स प्लस दस, ये हमारे क्या हो गए। इस प्रकार से हम बीजे व्यंजकों के भाग हल कर सकते और हल करने के पश्चात हम भागफल और शेषफल लिख सकते हैं। इसी क्रम में अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल होगा हमारे पास दूसरा सवाल हमारे पास एफ एक्स, एफ एक्स हमें क्या देता है एक्स क्यू, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस थ्री, और जी एक्स दे रखा है एक्स माइनस, अब इसका भाग हमें इसमें दे रहे हैं तो भाग नहीं इसका है, पहले से ही है खातों का क्रम लेकिन तीन दो एक या एक चार पद के घात में लिखेंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम में हमें लिखना है घातों में, पहले से ही सही है तो एक्स माइनस दो का भाग हमें देना है किसमें एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस थ्री, सबसे पहले एक्स क्यू में हम भाग देंगे किससे एक्स, और एक्स से भाग देंगे एक घात पर हो जाएगी बन जाएगी एक्स, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे, अब इसको प्रत्येक पद से भाग एक्स स्क्वायर को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर को माइनस दो से गुणा करें माइनस थ्री दो एक्स स्क्वायर, हमें इसका भाग लेना एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं भाग लेना था इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक बार फिर से एक्स स्क्वायर का भाग नहीं है हमारे पास बचेगा केवल क्या एक्स, अब एक्स से गुणा करें एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करें एक्स क्यूब, एक्स को माइनस दो से गुणा करें माइनस थ्री, ध्यान रखें हम उसको उसी के नीचे लिखेंगे जिसके ऊपर जितनी बात होगी, यहाँ दो एक्स है तो इसको एक्स वाली संख्या के नीचे लिखेंगे या नहीं यहाँ माइनस के स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं छोड़ देंगे उसकी जगह खाली, अब घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा ये किस हो जाएगा ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगी माइनस के तीन एक्स, यहाँ जोड़ेंगे पांच एक्स और दो एक्स दोनों प्लस के जुड़ेंगे सात एक्स, अगली संख्या जाएगी हमारे पास क्या माइनस के, इसको उतार लेंगे अब माइनस के तीन एक्स स्क्वायर में फिर भाग नहीं इसका एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का भाग नहीं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारे पास बच जाएगा माइनस के तीन, माइनस तीन से भाग नहीं माइनस के तीन एक्स स्क्वायर, माइनस के तीन लिखते हैं यहाँ माइनस तीन को एक्स स्क्वायर से भाग नहीं माइनस के तीन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस तीन दूनी छह, तो संख्या के नीचे अचर पद के नीचे अचर पद आएगा ये प्लस ये माइनस ये कट जाएंगे प्लस का ये माइनस बचे सात एक्स प्लस के तीन और माइनस के तीन और माइनस के माइनस के, हमारे पास शेषफल और भागफल क्या आया वो देख लेंगे, हमारे पास आया भागफल आया एक्स माइनस थ्री और
शेष वाला हमारे पास आया क्या, 7x माइनस। इस प्रकार से हम बीजे व्यंजकों को हल करते हैं, उनका भाग हल करते हैं, भाग लेते हैं और भाग का कोशिश करते हैं। इसी का तीसरा सवाल देखिए, एफएक्स और जीएक्स भी रखे गए हैं तीसरे सवाल में, क्या डिफरेंस देखेंगे। हमें रखा है x³ - 6x² प्लस 11x और प्लस माइनस 6 बाहर से है x+2 x² - 6x² + 11x और माइनस 6 में हमें भाग दे रहा है इसका x का, फिर बाहर के लिए हम तो हमारे पास आएगा x³ - 6x² + 11x और माइनस 6 x प्लस वही प्रथम संख्या में प्रथम संख्या का भाग, तो x³ में भाग देंगे इसका, x³ में भाग देंगे x, x³ भाग दिया हमने x का तो हमारे पास आएगा x², हम यहाँ लिखेंगे x² को x से गुणा करें तो आएगा x का, x² को 2x से गुणा करें, 2 से गुणा करें तो आएगा 2x², बताएंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस का ही माइनस का करते हैं, माइनस के 6x² है, माइनस के 2x² है, बचता है हमारे पास माइनस के 8x। अगले संख्या बता रही 11x माइनस 6, फिर माइनस 8x² में भाग दें इसका x, x का भाग दें इस पर मिल जाएगा मुझे माइनस के 8x, माइनस 8x को गुणा करेंगे तो माइनस के 8x, इसको इससे गुणा करें माइनस के 16x, बताएंगे ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का कर देंगे, ये कितने आ जाएंगे 11 और 16 हो गए 27x माइनस। अब 27x है तो अब 27x में भाग देंगे हम तो हमारे पास आएगा क्या, 27 एक्स में भाग देंगे इसका एक्स का, हमारे पास बचेगा क्या 27, एक्स से एक्स कर दिया क्या बचेगा 27 प्लस का गुणा करेंगे प्लस के 27 गुणा करेंगे 27 गुणा 14 इसके प्लस घटाइए ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस माइनस कर गए, माइनस के 14 माइनस के 14 होंगे माइनस के, तो भाग पर आया हमारे पास x² - 8x और प्लस 27 और शेष फल हमारे पास आएगा माइनस, हमारे पास आया भागफल, भागफल आया हमारे पास क्या x² - 8x + 27 और शेष फल क्या आया हमारे पास माइनस के 7, माइनस के 7। इस प्रकार से हम बीजे व्यंजकों को हल करते हैं, आप भी कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें, नहीं हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसका अंतिम सवाल पहले का जो था उसको और देख लेते हैं, इसके बाद आप एग्जाम्पल खुद करने की कोशिश करें, जो नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट सवाल, चौथा सवाल हमारे पास है 9x⁴ - 4x² भाग देना हमें किसका 3x² + x और
माइनस ए, भाग देंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक का भाग है इसमें नौ एक्स के पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो सबसे पहले प्रथम संख्या में प्रथम संख्या से भाग देंगे नौ एक्स स्क्वायर में भाग देंगे नौ एक्स के काम चार में भाग देंगे तीन एक्स स्क्वायर तीन से काम तीन एवं तीन तीन किया दो बार इसके काम की बार हमारे समझेंगे दो बार मतलब तीन एक्स स्क्वायर तीन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे प्रत्येक पद को इससे गुणा करेंगे नौ एक्स के काम चार इसको इससे गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करने पर हमारे पास आएगा क्या ये देखेंगे हमारे पास आया क्या टी एक्स क्यू ये बस है इसको इससे गुणा करें टी एक्स क्यू क्यू टी एक्स क्यू टी एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करें।